नॉइस की नई स्मार्ट वॉच वो आ गई है और हम सब ट्राई करेंगे। डब्बे में सारा माल ये है नॉइस की नई कलर फिट अल्ट्रा 3। इसका 5000 के अराउंड का प्राइस ब्रैकेट है। पिछली बार भी होती भाई वो एक बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच थी। विराट कोहली जी ने अपने टैटू के साथ पहन रखी मस्त चमक रही है। हमने सारे कलर सारे स्ट्रैप्स जितने आते हैं हमने सब इकट्ठा कर दिया। जो ब्लैक वाला इसका बॉक्स भी थोड़ा भारी है, दोनों खोल के देख इसको लग रहा है क्लासिक एडिशन। नॉइस की पैकेजिंग काफी स्टैंडर्ड सी जैसी यूजुअली होती है। ये एक बुक दे रखी है कैसे चलाना है, पूरी जन्म पत्री भाई। ओ भाई स्टिकर नॉइस मेकर सुनो दिल का शोर। भाई गोल्डन तो तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे नॉइस का लोगो बन रखा है। हवा जा रही, देखो देखने में भाई डेफिनेटली महंगी लग रही है। हम सबसे पूछ के आते हैं भाई उनको कितने की लग रही है। अच्छी लग रही है देखने में, महंगी तो लग रही है भाई। चेन तो बड़ी कूल सी लग रही है, रोलेक्स की चेन लगा दी, महंगा सा फीलिंग आ रहा है। कितने की लग रही है मुझे? 1-2 की भाई। 6,000 की होगी। 9-10,000 6,000 की है भाई। यार 6,000 में तो काफी अच्छी वॉच है यार। बॉक्स में चीजें नहीं, एक आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, एक मैग्नेटिक टाइप चार्जर जो आप ऐसे बैक साइड में लगा सकते हो। वॉच पे भाई QR कोड आता है, आपको स्कैन करके कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं 1 सेकंड में कनेक्ट करता हूँ। ये ब्लैक वाली का भाई स्ट्रैप भी तगड़ा सा लगता है भाई। नई सी स्मेल आ रही है, बट हाथ में पहनने में काफी महंगा सा लग रहा है। बट मेरे को ज्यादा मेटल स्ट्रैप पसंद नहीं आते क्योंकि मेरे बाल बाल फंस जाते हैं, तो इसलिए हम ये वाला स्ट्रैप यूज करेंगे। भाई मजेदार तो है। इसमें 3 टाइप के स्ट्रैप्स हैं, एक पूरा सिलिकॉन वाला है, इस पे से लाइनें बन रखी। थोड़ा सॉफ्ट होता तो और मजा आता। ये वाला थोड़ा लेदर स्ट्रैप है, एक्चुअली लेदर नहीं है, सिंथेटिक लेदर वीगन लेदर जो भी आपका बोलने मन करे वो है। बट ये मेटल वाला स्ट्रैप भाई इस मैट ब्लैक वॉच के साथ डेफिनेटली भाई काफी एक प्रीमियम फील तो ऐड कर रहा है। ऑल्दो मैं सबसे ज्यादा पहनूंगा सबसे सस्ता वाला, बट सबसे तगड़ा मेरे को ये लग रहा है। सबसे पहली चीज आप ऑन करने के बाद नोटिस करोगे वो है इसका डिस्प्ले। इसका भाई ऑलमोस्ट एक एज टू एज एमोलेड डिस्प्ले है, और डिस्प्ले के साइड में ना हल्का सा एक राउंडेड कर्व है, ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले है। छोटी छोटी चीजें जैसे जो डायल भी है इसमें भी भाई एक अच्छा खासा क्लिक है, और ये भी पूरा मेटल का है। लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे स्पीकर के होल है, इसमें ऊपर नीचे आपको लगा नीचे वाला पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, बट एक्चुअली इससे पावर ऑन ऑफ होती है। ये वाला बटन स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाता है भाई। आप समझ लो साइकिल वाइकिल चला लो, बटन दबाया स्पोर्ट्स मोड वो। इसमें प्रेस एंड होल्ड करोगे तो भाई वॉच इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो, और वो अगर आप करोगे तो इसमें 4 ही इंस्टॉल्ड है, बट आप 150 से भी ज्यादा एक्चुअली इंस्टॉल कर सकते हो, और कस्टमाइज फोटो भी आप लगा सकते हो, अपनी फोटो लगानी मस्त। इसमें अगर आप इसको ऐसे टैप करोगे पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, बट इसमें आपके पास एक ऑप्शन है भाई फ्लैश लाइट का। इसमें डायरेक्टली भाई ऐसे क्लिक करो पूरी स्मार्ट वॉच फ्लैश लाइट में बदल जाती है। इसका वॉच का यूआई अगर आप देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल टू यूज है। लेफ्ट राइट स्वाइप करने में आपको ट्रैकर वाले एक्सेस मिल जाते हैं, राउंड डायल रोटेट करो तो इससे इंटरफेस के सारे वो चीजें ऊपर नीचे आती है। मेन्यू में रोटेट करने में थोड़ा और ज्यादा ऊपर नीचे आता तो बढ़िया रहता भाई। इसकी जो फिजिकल बिल्ड है वो काफी प्रीमियम फील देती है। बड़ी चीज है जो बैक साइड है वो पूरी प्लास्टिक है, ये मेटल होती तो और ज्यादा मजा आता, बट देखो प्रीमियम चीजें लानी है सस्ते प्राइस में तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। बट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई, बाहर की साइड तो दिखता नहीं और अंदर की साइड ज्यादा कोई फर्क पता नहीं चला। एक चीज और मैं नोटिस करी, इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है। आप इसको बाहर यूज करो, इंडोर्स यूज करो, 550 nits की ब्राइटनेस है, और एक एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको डेफिनेटली भाई इसमें मूवी भी देखने का मन कर सकता है। अगर राउंड बटन पे आप क्लिक करो तो इसमें इनबिल्ट एप्स हैं काफी सारी, उनको सबको आप यूज कर सकते हो, और काफी सारी ऐड करके नॉइज हेल्थ बस क्लॉक वर्कआउट पोर्ट रिकॉर्ड म्यूजिक वेदर वॉच फेसेस सब कुछ भाई। स्टॉक्स भाई कहीं ऊपर गिर रहा हूँ नीचे गिर रहा हूँ पता चल जाएगा तेज़ी से। ऊपर से अगर आप स्वाइप डाउन करोगे नीचे की तरफ तो नोटिफिकेशन आएंगे, और नीचे से स्वाइप अप करोगे तो इसमें सेटिंग पैनल को आप एक्सेस कर सकते हो। पिछली बार भी बहुत ही बड़ी स्क्रीन थी, 1.78 इंचेस की स्क्रीन थी, बट उसको भी बढ़ा दिया भाई 1.96 इंचेस की स्क्रीन बना दी है। ये डिस्प्ले भाई दिखने में फ्लैगशिप लेवल का, ऑफकोर्स टच रिस्पॉन्स एकदम फ्लैगशिप लेवल वाला नहीं है, बट जो इस प्राइस पॉइंट पे आता है उससे डेफिनेटली काफी बेटर है। और भी छोटे छोटे अपग्रेड्स हैं, जैसे ब्लूटूथ 5.1 से 5.3 कर दिया गया है। स्पोर्ट मोड पिछली बार 60+ स्पोर्ट मोड थे, इस बार 100, आप जो स्पोर्ट खेल सकते हो। सबसे पहले बैडमिंटन, बट अब आ गया टाइम क्रिकेट का। सॉरी यार, छक्का बड़ा गया। मैं एक्चुअली बॉलर, बैटिंग वैटिंग तो मैं ऐसे दिखाने के लिए, ऐसे दूंगी ऐसे पकड़नी होती ऐसा पता ही नहीं चलेगा, डर जाएगा बंदा। फोन में अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसमें भाई बहुत ही सारे स्पोर्ट मोड है, स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्काइलिंग, कबड्डी भी डाल दिया भाई, सब करना पड़ेगा भाई आज तो। सबसे पहले हम इसमें चेकिंग कर लेंगे हमारा इंडोर रनिंग स्टार्ट। 3-2-1 गो। हार्ट बीट मेरी 120 हो गई है, बट मैंने 1 कैलोरी बर्न कर ली। बस 500 बार और करना पड़ेगा, 500 बार।
इस वाली में IP68 है, पानी में हाथ डाला भाई मस्त गीला गीला हो रहा, मजा आ रहा है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है और जितने भी सेंसर आपको चाहिए भाई, हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2, ब्लड ऑक्सीजन आपका मॉनिटर हो जाएगा, स्लीप मॉनिटर, एक्सेलेरोमीटर, आपका कैलोरी काउंट, स्टेप काउंटर, सब कुछ, जितने बेसिक सेंसर होने चाहिए एक वॉच में वो सारे भाई मेरे हिसाब से भाई एक स्मार्ट वॉच के अंदर उसका सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि महंगी वॉचेज में और सस्ती वॉचेज में यही फर्क है कि मतलब सॉफ्टवेयर भाई महंगी वॉचेज का डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर होता है। ऐप अगर आप देखो 5 भाग में डिवाइडेड, इस वाले सेगमेंट के अंदर सारी सेटिंग और सारी फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लॉक इंटरफेस आप इंस्टॉल करनी है वो भी कर सकते हो, घड़ी को अगर कैमरा की तरह यूज करना हो तो आप कैमरा शटर इसमें डाल सकते हो। एक चैलेंजेस वाला सेगमेंट भी, इसमें नए चैलेंजेस ट्राई करने हैं आपको भाई, नॉइस खुद प्रोवाइड करता है, इसमें रैंक वैंक दिख जाएगी, आप भाई अपना चैंपियन बन जाना, चैंपियन अगर आप कोई चैलेंज जीतते हो तो नॉइज रिवॉर्ड देगा आगे प्यार। नहीं वैसे बहुत सारी मस्त मस्त चीजें हैं, बेसिकली फ्रेंड्स आप ऐड कर सकते हो, उनका वर्कआउट चैलेंज वैलेंज करके काफी सारी मस्त मस्त चीजें कर सकते हो। एक शॉप वाला भी सेगमेंट है, इसमें भाई नॉइस के काफी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप देख सकते हो, ब्राउज करके। बेसिक चीजें बता दी भाई, अब आ गया टाइम टेस्टिंग करने का भाई। ठीक है, पेपर वेपर पे बढ़िया है भाई, स्क्रीन बढ़िया भाई, रियल वर्ल्ड में टेस्ट करना पड़ेगा। कनेक्टिविटी टेस्ट हमने एप्पल और एंड्रॉइड दोनों के साथ कनेक्ट करा भाई, दोनों में काफी आराम से हो जाता है भाई। दूसरा अंधेरे में दिख रहा है चेक, धूप में दिख रहा है चेक भाई। हम ना प्रोफेशनल टेस्टिंग करते हैं, मैं SPO2 इससे चेक करेंगे कितनी एक्यूरेसी आती है भाई। सही आ रहा है, 97 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 97 आ रहा है। दिल की धड़कने भी चेक कर लेते यार, 75 हार्ट बीट है भाई, भाई हार्ट बीट भाई की तेज धड़कती है। इसमें नॉइस बज वाला है, इसमें डायल पैड से बनाते हैं, यहाँ कॉल जा रही है और यहाँ कॉल आ रही है भाई। इसमें रेंज चेक करते हैं, बहुत से हम कॉल मिला रहे हैं, देखते हैं कितनी दूर तक होती है। हेलो भाई, हाउ डू यू डू। अरे बाप रे, यहाँ भी आ रही है, यहाँ पे तो बंदी होगी। कोई बात नहीं भाई, कभी कभार आवाज कट जाती है। ब्लूटूथ 5.3 से फर्क तो पड़ता है भाई, अच्छी खासी रेंज है। घर के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोगों को पता ही है मैं डरता नहीं। सबसे पहले हम करेंगे योगा, सूर्य नमस्कार, मगरमच्छ आसन भाई, कैलोरी 3 कैलोरी भाई, मगरमच्छ आसन में 1 कैलोरी बन हो गई, यही करूंगा पूरे दिन। अब करेंगे भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भाई, 2 कैलोरी। ट्रैकिंग मेरे को डिसेंट लगी, एकदम ऑनेस्ट बताऊं किलो कैलोरीज की ट्रैकिंग अब मैं कैसे कर पाऊंगा मुझे को समझ नहीं आया। बट बाकी जितनी चीजें हैं जैसे हार्ट बीट है, SPO2, हमने सब ट्रैक करके देखा और वो सारी चीजें काफी एक्यूरेट आ रही। हमने फुटस्टेप भी ट्राई करे भाई, 1-2 से ऑफ था बस। मैं एकदम सीधा से बताता हूं, इस प्राइस पॉइंट पे भाई ये काफी प्रीमियम फील प्रोवाइड करता है, जो हाथ में पकड़ने में, पहनने में और दूर से अगर आप किसी को दिखाओगे डेफिनेटली उसको एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच लगेगी। हमने सेंसर की एक्यूरेसी चेक करी, जो बेसिक सिनेरियोज होते हैं आप पानी में जाओगे, थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करोगे, उन सब में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और मेरे हिसाब से जो ऐप वाला एक्सपीरियंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्राइस पॉइंट पे नॉइस की आपका एक्सपीरियंस है और जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली आप बेस्ट बोल सकते हो। बेसिकली मैं एकदम सीरियसली बताऊं, बजट स्मार्ट वॉचेस धीरे धीरे काफी ज्यादा तगड़ी होती जा रही है और फ्लैगशिप वाली काफी हद तक एक फील वो कैरी कर लेती है। इसमें काफी सारे जो मेन फीचर्स होते हैं फ्लैगशिप स्मार्ट वॉचेस के, जैसे कॉलिंग वाला फीचर है, नोटिफिकेशन है, रिप्लाई करना है, आपको जो बेसिक वर्कआउट एक्टिविटीज है, SPO2 ट्रैक करना, ये सारी चीजें इसमें हो जाती है। और मेरे हिसाब से भाई जिनको एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच वाला एक्सपीरियंस चाहिए सस्ते प्राइस में, उनके लिए घड़ी डेफिनेटली काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, और हमको इसको ट्राई करने में काफी ज्यादा मजा, होपफुली आपको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ये वैसे बहुत अमीर आदमी लग रहा है, ये वॉच भाई कितने की लग रही है? 7